हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैच के सेकंड लेग का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा एफसी बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के बीच। तो बार्सिलोना और पीएसजी के बीच इस क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग ऑलरेडी खेला जा चुका है जो कि पीएसजी के होम में हुआ था और उस फर्स्ट लेग में जो है बार्सा ने 3-2 से पीएसजी को हरा के एक गोल का यहाँ पर एडवांटेज पा लिया है। फिलहाल उस मैच में जो बार्सा की तरफ से 3 गोल है उसमें 2 गोल रफिनिया के आए थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव रहा था फर्स्ट लेग में। एक जो गोल है वो क्रिश्चियनसन का आया था जबकि पीएसजी की तरफ से जो 2 गोल है उसमें एक डेम्बेले का गोल था और एक गोल विटिनिया का आया था। अब इस सेकेंड लेग में जो है बार्सा के पास 1 गोल का एडवांटेज है यानी कि अगर पीएसजी को बार्सा को हराना है हर हाल में उन्होंने 2 गोल स्कोर करने हैं बिना कंसीड किए। अगर वो 1 गोल भी मारते हैं और 1-0 टाइप का होता है 90 मिनट में तो ये जो मैच है एक्स्ट्रा टाइम में चले जाएगा। अब अगर आपने पहले लेग में देखा होगा दोनों टीम ने डिसेंट खेला था, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक टीम ने बहुत ज़्यादा खराब खेला, दोनों अटैक कर रही थी। तो यहाँ पे सेकंड लेग में भी ऐसी होगा बट मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली भी आप देखें तो पीएसजी ज़्यादा अटैक करेगी क्योंकि उनको गोल की ज़रूरत है। अगर बार्सा 0-0 भी करती है तो भी बार्सा नेक्स्ट राउंड में जाएगी और 1-0 वगैरह होती है 1-1 होती है तो भी बार्सा यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जाने वाली है। तो पीएसजी को हर हाल में गोल की ज़रूरत है, पीएसजी अटैक करेगी लेकिन पीएसजी भी डिफेंसिव वाइज ट्रांजिशन में बार्सा जो है उनके अगेंस्ट गोल वगैरह स्कोर कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों जगह से गोल्स आ सकते हैं तो अभी के लिए मैं एक बैलेंस टीम ही बनाने वाला हूँ। बट मे भी किसी को लगता है बार्सा अपने घर में फेवरेट है अच्छा करेगी, आप स्मॉल लीग में बार्सा को फेवर कर सकते हैं, या आपको लगता है पीएसजी डेफिसिट टर्न कर लेगी तो आप पीएसजी को फेवर कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे विनर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी के लिए स्मॉल लीग में मैं एक बैलेंस टीम ही बनाने वाला हूँ। अब गाइस सबसे मेन चीज इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले स्टार्ट करते हैं पीएसजी से। तो यहाँ मैं एक बैलेंस टीम बना रहा हूँ, कोई क्लियर कट फेवरेट नहीं है। अगर मैं 6 प्लेयर पीएसजी के लूँगा मैं 5 बार्सा के लूँगा, वाइस वर्सा अगर मैं 5 पीएसजी के ले रहा हूँ मैं 6 बार्सा के लूँगा जिससे एक बैलेंस बन जाए। तो पीएसजी की प्रोबेबल लाइन पे नज़र डालते हैं, डोनारुमा होने वाले इनके गोलकीपर। अब बहुत से बंदे हो सकते हैं गोलकीपर डोनारुमा को पिक करें लेकिन मैं इस मैच में पीएसजी के गोलकीपर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बार्सा के गोलकीपर टेर स्टेगन लूँगा क्योंकि गोल्स की ज़रूरत पीएसजी को है। बार्सा वैसे ही 1 गोल की लीड ले चुकी है तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अटैक पीएसजी करेगी तो टेर स्टेगन जो है अच्छे खासे सेव्स कर सकते हैं, पीएसजी बहुत ऑन टारगेट लेगी तो मैं अभी के लिए डोनारुमा को इग्नोर कर रहा हूँ। 4 इनके डिफेंडर हैं, हकीमी, मार्किनियोस, लुकास हर्नांडेज और न्यूनो मेंडेस। फर्स्ट लेग में हकीमी को मिस किया था पीएसजी ने, इस मैच में वो वापस आ गए हैं। फिलहाल इस मैच में क्लीन शीट आती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है किसी की, मुझे लग रहा है दोनों जगह से गोल आएगा तो मैं बहुत ज़्यादा डिफेंडर नहीं ले आ रहा, मैं टोटल 3 ही डिफेंडर पिक कर रहा हूँ जिसमें मैं अभी के लिए पीएसजी से 1 ही ले आ रहा हूँ लेकिन आप 2 भी पिक कर सकते हैं। बट अभी मैं 1 पीएसजी और 2 बार्सा के डिफेंडर पिक करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ से जो मेरी नंबर 1 चॉइस है वो हकीमी रहेंगे, अटैकिंग वाइज बहुत इंप्रेसिव हकीमी और डिफेंसिव भी करते हैं तो मैं हकीमी ले गया। 1 से ज़्यादा लेने देन आप न्यूनो मेंडिस या लुकास हर्नांडिस में भी किसी को ले सकते हो बट अभी के लिए मैं सिर्फ हकीमी ले रहा हूँ और मैं बाकी 3 ही डिफेंडर को इग्नोर कर रहा हूँ। मिडफील्ड 3 होंगे मोस्ट प्रॉब्ली ज़ायरे एमरी, उगार्ते और विटिनिया। यहाँ पे एक चेंज हो सकता है, उगार्ते वाले प्लेस में हो सकता है वापस से फाबियन रुइस के लिए बट मुझे ऐसा लगता है जो डिफेंसिव ट्रांजिशन बार्सा बनाएगी अटैकिंग ट्रांजिशन में जो बार्सा अटैक करेगी उसको रोकने के लिए जो एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में उगाटे, इस वजह से मुझे इनके ज़्यादा चांस लग रहे हैं मिडफील्ड में खेलने के। फिलहाल अभी के लिए मैं दोनों ही उगाटे और ज़ायरे एमरी को नहीं पिक कर रहा हूँ, मैं दोनों को मिडफील्ड में एडजस्ट भी नहीं कर पाया लेकिन मैं पिक करूंगा विटिनिया को जो मेरे अकॉर्डिंग इस सीजन का 1 ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पीएसजी का। ये बंदा गोल्स भी रेगुलर कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है और बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे पॉइंट देता है। इनफैक्ट जो फर्स्ट लेग गोल्स में भी विटिनिया ने स्कोर किया था तो मैं विटिनिया को पिक करूंगा। वैसे अभी के लिए ज़ायरे एमरी भी अच्छा प्लेयर था लेकिन मैं इनको मिडफील्ड में एडजस्ट नहीं कर पाया तो मैं दोनों उगाड़ते और ज़ायरे एमरी को इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी डेम्बेले मस्ट पिक हैं, फर्स्ट लेग में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया था इन्होंने बार्सा के अगेंस्ट, इस लेग में भी अच्छा कर सकते हैं, गोल असिस्ट करने में केपेबल है, फर्स्ट लेग में गोल भी आया तो मैं डेम्बेले को पिक करूंगा। किलियन एम्बापे बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में काउंट होते हैं, पेनाल्टी टेकर हैं। पीएसजी के अगर आप गोल स्कोरिंग चार्ट देखेंगे तो कोई इनके आसपास भी नहीं है, ऑल्दो फर्स्ट लेग में बार्सा कामयाब रही थी इनको क्वाइट रखने में, सेकंड लेग में देखना होगा कितना कामयाब रहते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है एम्बापे, मस्ट पिक रहेंगे और इस मैच में क्लियर कट कैप्टनसी ऑप्शन भी होने वाले हैं। अभी के लिए जो मेरे पॉइंट पिक है वो बारकोला होंगे, मैं इनको भी ले आ रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट लेग देखा होगा तो सेकंड हाफ में सब्सिट्यूट से आए थे और जब से बार्सोला बारकोला आए थे
बहुत अच्छा खेला था पीएसजी ने, इनकी पेस काफी तंग करी थी बार्सा के डिफेंस को और एक दो बार तो एक गोल मारने की भी क्लोज आ गए थे। तो इस मैच में पीएसजी को गोल्स की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है बारकोला अपनी पेस से यहाँ पे तंग कर सकते हैं बार्सा के डिफेंस को, तो मेरे पॉइंट पिक होने वाले बारकोला। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई रिलायबल ऑप्शन नहीं है, मे बी अगर गोल असिस्ट ना करे तो ज़्यादा पॉइंट ना दे और ऐसा हो सकता है सब हो जाए, तो अभी के लिए मैंने पिक तो किया है बट एक थोड़े से रिस्की पिक होने वाले हैं। तो ये पीएसजी की 11 थी। अभी मैं जो यहाँ से प्लेयर्स पिक करके गया हूँ, मैं गोलकीपर यहाँ से नहीं ले आ रहा हूँ, मैं गोलकीपर अपोनेंट का ही लूँगा। यहाँ से मैंने लिया डिफेंस है हकीमी, इसके अलावा विटिनिया, उस्मान डेम्बले, बारकोला और किलियन एम्बापे। बाकी जो पीएसजी की पेनल्टी है एम्बापे लेने वाले हैं। और ये अभी तक के पीएसजी के मैंने सीएन के स्टैट लिखे हैं फ्रेंच लीग के, आप ये स्टैट देख सकते हो। अपोनेंट की बात करने से पहले वही चीज़ रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट एफसी बार्सिलोना की। तो टेर स्टेगन होने वाले इनके गोलकीपर, अभी के लिए मेरे गोलकीपर टेर स्टेगन ही होंगे क्योंकि गोल्स की जरूरत पीएसजी को है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अटैक पीएसजी करेगी, तो टेर स्टेगन हमें अच्छे खासे सेव करके दे सकते हैं, तो मैं गोलकीपर ले रहा हूँ टेर स्टेगन। बट अगर आप चाहे तो डोनारमा के साथ भी जा सकते हैं जो पीएसजी के गोलकीपर हैं, लेकिन मेरे गोलकीपर होंगे टेर स्टेगन। चार इनके डिफेंडर होंगे, कुंडे, अराउओ, कुबार्सी और कैंसिलो। फिलहाल मैं टोटल तीन ही डिफेंडर ले आ रहा हूँ, एक मैंने वहाँ पीएसजी का डिफेंडर लिया था हकीमी, दो मैं यहाँ से ले आ रहा हूँ और यहाँ से मेरी टॉप टू चॉइस है कैंसिलो एंड कुंडे। कैंसिलो अटैकिंग वाइज बहुत इंप्रेसिव और डिफेंसिव भी करते हैं, और कुंडे के भी मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में अच्छे खासे डिफेंसिव पॉइंट आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे ये भी अटैक करते हैं, दूसरा है हेडर में भी गोल लगा सकते हैं। इस वजह से मैं कैंसिलो और कुंडे ले गया। किसी को लगता है बार्सा की क्लीन शीट आएगी वो अराउओ को भी ऐड कर सकता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ कैंसिलो और कुंडे ले रहा हूँ, मैं बाकी दोनों डिफेंडर को इग्नोर कर रहा हूँ। मिडफील्ड 3 होंगे गुंडगॉन, डियोंग और पेड्री। फिलहाल गुंडगॉन तो मस्ट पिक है, गोल स्कोरिंग मिडफील्डर है, कभी भी गोल कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, लास्ट मैच में कॉर्नर से असिस्ट दिया था जो क्रिश्चियनसन का गोल आया था, और बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे पॉइंट देते हैं, तो गुंडगॉन मस्ट पिक है। लेकिन अभी के लिए मैं दोनों को, पेड्री और डियोंग को, अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पाया। फ्रेंकी डियोंग भी डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, पासिस वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। पेड्री का लास्ट मैच में इंजरी से कमबैक होता और क्या बढ़िया असिस्ट इन्होंने दिया था, लेकिन अभी के लिए मैं पेड्री को भी अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर आपको लेना है तो आप वो जो मैंने बारकोला लिया उनके वाले प्लेस में पेड्री ले सकते हो, बट अभी मैं सिर्फ गुंडगॉन ले रहा हूँ और मैं डियोंग और पेड्री को इग्नोर कर रहा हूँ। यमाल को भी अभी के लिए मैं अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पाया और यमाल के मिनट्स भी अश्योर नहीं है, लास्ट मैच में 60 मिनट के आसपास ही सब हो गए थे और इस मैच में भी अगर इम्पैक्ट नहीं डाल पाए तो जल्दी सब हो सकते हैं। सेम वही कहूँगा, यमाल भी लेना है तो बारकोला वाले प्लेस में आप यमाल भी ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं यमाल भी इग्नोर कर रहा हूँ। रफीनिया मस्ट पिक है, प्रीवियस लेग में ही दो गोल स्कोर करके आ रहे, रेड हॉट फॉर्म में करेंटली, मस्ट पिक रहेंगे और वाइस कैप्टनसी के भी स्मॉल लीग में टॉप ऑप्शन रहने वाले हैं। इसके अलावा लेवेंडोस्की भी मस्ट पिक हैं, ऑल्दो फर्स्ट लेग में क्वाइट थे, लेकिन इतने बड़े प्लेयर है, दिन होगा हैट्रिक तक स्कोर कर सकते हैं और पेनाल्टीज भी लेंगे, तो मैं दोनों रफीनिया और लेवेंडोस्की को पिक करके चल रहा हूँ। तो ये एफसी बार्सिलोना की 11 थी। अभी जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक किए, मैं दो डिफेंडर ले गया, कैंसिलो और कुंडे, हाँ मैं गोलकीपर टेर स्टेगन भी ले गया, इसके अलावा मैं गुंडगॉन, रफीनिया और रॉबर्ट लेवेंडोस्की को पिक करके गया हूँ। पेनाल्टी लेवेंडोस्की लेंगे और ये अभी तक के बार्सा के सीएन के स्टैट है लीगा के, आप ये स्टैट देख सकते हो। अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में। तो मैं यहाँ पे विनर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक 2-2 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने टेर स्टेगन लिए, आप चाहे तो डोनारुमा ले सकते हैं, एक पीएसजी का मैंने डिफेंडर हकीमी लिया, दो मैंने बार्सा से लिए कैंसिलो और कुंडे, मिडफील्ड में रफीनिया गुंडगॉन बार्सा से, पीएसजी से डेम्बेले, विटिनिया और मेरे पॉइंट पिक है बारकोला, और अटैकिंग सेक्शन में मैंने एम्बापे और लेवेंडोस्की को पिक किया है। बाकी जब सब तो मुझे सेफ ही लग रहा है, एक मैंने पॉइंट लिया बारकोला पे, बारकोला वाले प्लेस में आप चेंजेस कर सकते हो अलग अलग, इनके प्लेस में आप चाहे तो पेड्री ले सकते हो, आप यमाल भी ले सकते हो, ये दोनों आप चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादा रिस्क लेना आप ज़ाहिर एमरी पे पॉइंट ले सकते हो, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पीएसजी को गोल की जरूरत है, तो मैं इनके अटैकर बारकोला के साथ गया हूँ। दूसरा, मे भी किसी को लगता है पीएसजी की क्लीन शीट का ज़्यादा चांस है और वो ज़्यादा बेटर करेगी, तो आप कुंडे हटा के भी उनका जो लेफ्ट बैक है पीएसजी का न्यूनो मेंडेस, उनको पिक करके चल सकते हो। कैप्टनसी के क्लियर कट ऑप्शन थे एम्बापे, मैंने उनको ही दिए। वीसी इस 2-2-2-1 टाइप की स्कोर लाइन के लिए आप जा रहे हैं तो लेवेंडोस्की और रफीनिया दोनों अच्छे ऑप्शन है। कोई पीएसजी विक्ट्री के लिए जा रहा है तो विटिनिया डेम्बेले में किसी को वीसी कर सकता है। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम थी। मेरी अपडेटेड जो भी फाइनल टीम होगी विद वाइस कैप्टन आपको मिलेगी हमारे
टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।